देखो राहुल गांधी भाग खड़े हुए पूरे देश से कहते घूमते थे डरना नहीं, कुछ डर गए चले गए, तो बसपा को वोट क्यों नहीं दे रहा है तो उसका कारण ही है, अखिलेश यादव को जिताओ, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यहाँ राम मंदिर में ताला लटकवा देंगे। तो धर्म के नाम पर आरक्षण देना जो कांग्रेस का है तो वो भी एक गोपनीय एजेंडा समाजवादी पार्टी का भी कहीं कह रहा है। नहीं देखो बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि देश की जनता एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री चुनने जा रही है और मुझे साफ नीचे जमीन पर दिखाई पड़ा है। जैसे राहुल गांधी अमेठी से छोड़कर रायबरेली आ गए, वैसे अखिलेश यादव भी कन्नौज सामने चुनाव लड़ रहे हैं, ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? नहीं देखो राहुल गांधी भाग खड़े हुए पूरे देश से कहते घूमते थे डरना नहीं, कुछ डर गए चले गए, और अखिलेश जी तो चलो कम से कम डरते डरते सही आ तो गए लड़ने। एक आखिरी सवाल है, अगर सत्ता में आते हैं अलायंस तो बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर के बदले भी बाबरी मस्जिद दोबारा से बनाया जाएगा। देखो इनके लोग जा जाकर मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि चूंकि मुसलमान बसपा को वोट देने को तैयार नहीं है तो बसपा को वोट क्यों नहीं दे रहा है तो उसका कारण ही है, अखिलेश यादव को जिताओ, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यहाँ राम मंदिर में ताला लटकवा देंगे। तो इस तरीके की एक बात कही गई है। और दूसरा जो धर्म के नाम पर आरक्षण देना जो कांग्रेस का है तो वो भी एक गोपनीय एजेंडा समाजवादी पार्टी का भी कहीं कह रहा है। वो अब उन्होंने कहा था 82 ना जीत जाए भाई, उनके लिए क्या, तो कुछ भी बोल सकते हैं अपने स्वयंभू नेता है। आप देखो भारतीय जनता पार्टी का बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है।